नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें विश्वास के बदले में धोखा मिलता है, और ज़्यादातर धोखा मिलता है पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में और संबंधों के मामले में। धोखे के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 फरवरी 2024, दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम को 5:20 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 3 फरवरी 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान है धनु राशि में, सूर्य बुध विद्यमान है मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, केतु विद्यमान है कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल विद्यमान है तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर विश्वास है तो धोखा भी है। शादी को लेके, पैसे को लेके, रिश्तों को लेके धोखा कदम कदम पर होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में हर बात में धोखा मिल जाता है। धोखे के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, क्या संबंध है? देखिए, धोखा कुंडली के 6वें, 7वें और 8वें भाव से संबंध रखता है। धोखे के पीछे ज्यादातर जिस ग्रह की भूमिका होती है उसे कहते हैं राहु। राहु पहले भरोसा दिलवाता है, पहले भरोसा पैदा करवाता है और फिर धोखा दिलवाता है। इसके अलावा खराब चंद्रमा और खराब बुध भी जीवन में धोखा देता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा बुध या बृहस्पति कमजोर होता है, सामान्यतः उन्हें जीवन में धोखा मिल जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो या शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा होती है। जब राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, उस समय धोखे को लेके बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि राहु की दशा अंतर दशा में धोखा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब जान लेते हैं आगे की राशियों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। मेष राशि, दौड़ भाग इस समय आपकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, परिवार में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जो धोखेबाजी होती है या धोखा होता है वो पैसों रुपयों के लेन देन में होता है। लोग दूसरे का पैसा दबा लेते हैं, दूसरों को बेवकूफ बना के पैसा हड़प लेते हैं, बहुत धोखा होता है धन के मामले में। कब होता है ऐसा? अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो पक्की तौर पे जानिए धन के मामले में सावधान रहना होगा, नहीं तो धन के मामले में धोखा मिलेगा। कभी कभी मंगल के गड़बड़ होने पर भी धोखा मिलने की संभावना धन वाले धोखे की या प्रॉपर्टी वाले धोखे की संभावना बहुत होती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के साथ धन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी धोखा ज्यादा होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर धन संबंधी धोखा मिलने की संभावना है या धन संबंधी धोखे में आप फंस गए हैं तो कैसे बाहर निकलेंगे? बुध और मंगल की दशा में विशेष सावधान रहें। बुध की अंतरदशा महादशा है, मंगल की अंतरदशा महादशा है, बहुत अलर्ट रहें क्योंकि इस दशा में धन और संपत्ति का धोखा ज्यादा होता है। नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, श्री हरि की उपासना करें, इससे आप धोखे से बचेंगे। गाय को फल या चारा खिलाते रहें, खास तौर से हर बुधवार को गाय को हरा फल या हरा चारा या पालक खिलाएं और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि धन और संपत्ति के धोखे से आप सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आगे कि राशियों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, कारोबार में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। विवाह करने में यानी विवाह तय हो रहा है, आपको जो बताया गया है, जो चीज़ आपको दिखाई गई है, वो चीज़ निकलती नहीं है, पता कुछ और चलता है। विवाह करने में धोखा बहुत आम बात है, लोग अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, लड़के वाले लड़की वाले, और विवाह करने में धोखा होता है। कब होता है ऐसा? अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध सप्तम भाव से हो या शुक्र से हो तो विवाह करने में अलर्ट हो जाइए, क्योंकि विवाह करने के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है। राहु का संबंध कुंडली में चंद्रमा या सूर्य से हो तो ऐसी दशा में भी विवाह करने के मामले में धोखा हो सकता है। विवाह संबंधों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह की बात कुंडली में है, राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो आप जब भी विवाह तय कर रहे हैं, लड़का कैसा है लड़की कैसी है, इसका जांच पड़ताल करके तभी विवाह करिएगा। और अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है तो विवाह करने के मामलों में धोखा होता ही है। लोग जो बता करके दिखा करके शादी करते हैं, आम तौर पर विवाह के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उपाय करें कि विवाह करने में आपके साथ धोखा ना हो? पहला, बिना कुंडली मिलाए विवाह बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह संबंधी धोखे की संभावना है, शुक्र की स्थिति पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि शुक्र की स्थिति गड़बड़ होगी तो विवाह होने में धोखे की संभावना बनेगी। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, इससे लाभ होगा। और भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंट पूजा करें। ऐसा करने से भी विवाह करने में जो धोखा हो सकता है उससे आप बच जाएंगे, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आगे की राशियों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, खान पान का ध्यान बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं, करियर में लापरवाही से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, शादीशुदा जिंदगी में विवाह हो गया, जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी पति अपनी पत्नियों को और पत्नियां अपने पति को धोखा दे सकती हैं, ऐसा भी होता है। रिलेशनशिप के मामले में, संबंधों के मामले में, वैवाहिक जीवन में भी धोखा मिलता है। पति का कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया, पत्नी से छुपा रहा है, पत्नी को धोखा दे रहा है, ऐसा भी होता है। कब होता है ऐसा? कुंडली में शुक्र या चंद्रमा अगर आपके दूषित होगा, पाप ग्रहों के इंपैक्ट में होगा, तो आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। राहु अगर लग्न में या द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। बृहस्पति अगर दूषित हो, बृहस्पति अगर खराब ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी आपके वैवाहिक जीवन में धोखा हो सकता है। जिनकी कुंडलियों में इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें अपने जीवन साथी के द्वारा वैवाहिक जीवन में धोखा मिल जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपके वैवाहिक जीवन में धोखे की संभावना है या आपको धोखा मिल रहा है तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। साढ़े साती और ढैया के मामले में विशेष सावधानी रखिए। आपकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, आपके पति या पत्नी की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, सावधान रहें। और अगर वैवाहिक जीवन में धोखा मिल रहा है या धोखे की संभावना है तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज अगर आप धारण करें तो आप वैवाहिक जीवन के धोखे से बच जाएंगे। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गठिया की समस्या है, जोड़ों के दर्द की गंभीर समस्या है, तो ग्रीन टी पीजिए, उसमें कच्चे पपीते के टुकड़े डालकर उबालिए और इसका सेवन नियमित रूप से करिए, गठिया की समस्या में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 फरवरी 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 3 फरवरी को प्रातः काल हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।